दोस्तों आज हम देखेंगे मॉस्फेट के बारे में। ये जो आपको जो दिख रहा है सभी हमारे मॉस्फेट हैं, यहाँ पे ये सारे मॉस्फेट हैं और ये सारे के सारे सब खराब मॉस्फेट हमने जमा किए हैं। तो आपको दिखने में तो सब अलग अलग हैं, ये दिखने में बिल्कुल सही जैसा दिख रहा है और ये हमारा दिखने में पूरा टूटा हुआ है। तो इसको तो फिजिकली देखकर यानी विजुअली देखकर भी उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये भी ऐसा ही कंडीशन है हमारा। और ये हमारा बहुत क्लोजली यानी नज़दीक से देख के पता चलेगा, ये हमारा जो है थोड़ा ब्रेक हुआ है, तो इसको भी हम विजुअली देखकर उसको रिजेक्ट करेंगे और रिप्लेस करेंगे। आगे पीसीबी में अगर से निकलता है तो ये भी उसमें भी एक डॉट पड़ गया है, ये भी हमारा ख़राब है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ये भी हमारा ऐसा ही ख़राब हो गया है, लेकिन ये हमारा दिखने में सही दिख रहा है दोस्तों, ये दिखने में सही दिख रहा है, लेकिन ये भी हमारा शॉर्ट हुआ गया है। तो इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे वो जो हमको डिटेल से बताएंगे। तो मल्टीमीटर को ले लेते हैं और मल्टीमीटर को हम सबसे पहले डायोड यानी क्वांटिटी की रेंज पर उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्वांटिटी करेंगे, बजर की रेंज पर सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले तो हम बजर टेस्ट करेंगे कि हमारे आपस में किसी भी लेग्स के अंदर बीप साउंड नहीं बजना चाहिए। ये तो हमारा विजुअली ख़राबी है, उसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चेक करके बताएंगे कि ऐसा भी अगर दिखता है तो कैसे उसको चेक करेंगे। तो देखो ये दोस्तों आपस में शॉर्ट बता रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये ख़राब है, ये भी आपस में शॉर्ट बता रहा है, ठीक है, ये भी ख़राब है, ये भी हमारा शॉर्टेज है। तो ऐसे आप टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा मॉस्फेट ख़राब है या सही है। ये वाला हमारा पास नया मॉस्फेट है, उसको चेक करके बताएंगे कि हमारा सही है कि ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी बीप नहीं बचता है, तो हमारा सही है। बीच वाला तो शॉर्टेज, बीच वाला एक ही है तो बीप बचेगा, लेकिन आप जो साइड में है दो उसमें बीप नहीं बजना चाहिए, ठीक है। ये हमारा गेट है, ये ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है। अभी उसको डायोड की रेंज पर चेक करके बताएंगे। तो ये हमारा ड्रेन और सोर्स वन साइड हमें डायोड की रेंज बताना चाहिए, ये डायोड का वैल्यू हमें वन साइड बताना चाहिए और वन साइड ओपन बताना चाहिए, तो हमारा ये सही रहेगा। और गेट से हमारा कुछ भी नहीं बताना चाहिए, तो हमारा मॉस्फेट सही रहेगा। इसी तरीके उसको भी चेक करेंगे, जब गेट पर हम प्रोब रखेंगे तो ड्रेन और सोर्स में हमें कुछ भी नहीं वैल्यू नहीं बताना चाहिए। और जब ये हमारा खराब वाले मॉस्फेट को चेक करेंगे तो उसमें हमें यहाँ पर शॉर्टेज बताता है, 0-0 वैल्यू बताता है, इसका मतलब कि हमारा ये सब ख़राब है। तो आप किसी भी मॉस्फेट को इसी तरीके चेक कर सकते हैं। हम गेट के ऊपर जब प्रॉप रखेंगे और ड्रेन और सोर्स को बारी बारी चेक करेंगे तो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं बताना चाहिए, और फिर से हम प्रॉप को पलट देंगे तब भी हमें कुछ भी वैल्यू नहीं बताना चाहिए। जब हमें ड्रेन और सोर्स के बीच में डायोड का वैल्यू बताना चाहिए वन साइड, और वन साइड हमें ओपन बताना चाहिए, तो ये हमारा मॉस्फेट सही है। तो आई होप कि इस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।